दोस्तों, अगर आपका फेसबुक आईडी हो चुका है ब्लॉक या फिर आपका आईडी बीच बीच में ब्लॉक हो जाता है, तो आप जो है इस परेशानी से अगर बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फेसबुक के किसी भी तरह के ब्लॉक को आप चुटकियों में कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं हूँ रियाज खान और आप देख रहे हैं रियाज ऑल टेक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं ये जो रियाज खान बोल के आईडी है, यही मेरा आईडी है। ये कुछ वजह से जो है ब्लॉक हो चुका है, इसको कैसे हम अनब्लॉक कर सकते हैं चलिए देखते हैं। दोस्तों पहले अपने आईडी पे क्लिक करते हैं, इसके बाद दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि कंफर्म योर आइडेंटिटी, ठीक है, गेट स्टार्टेड है यहाँ पर, तो उसी को क्लिक करते हैं। और दोस्तों आईडी को अनलॉक करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। योर अकाउंट हैज़ बिन टेम्पोरली लॉकड। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा अकाउंट जो है अभी टेम्पोरली जो है लॉक्ड हो चुका है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई फोटोज़ ऑफ फ्रेंड, आइडेंटिफाई फ्रेंड हु हैव मैसेज रिसेंटली, आइडेंटिफाई योर रिसेंट कॉमेंट। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर मैसेज को क्लिक करते हैं तो आपको चूज़ करना होगा कि आपने अपने फ्रेंड को किस तरह से मैसेज भेजा था या फिर कॉमेंट। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कॉमेंट से ही करूँगा, ठीक है, तो कॉमेंट में क्लिक करता हूँ। दोस्तों मतलब यही कि आपने कैसे कैसे कॉमेंट किया अपने फ्रेंड को। वाह, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं जो है अपना कमेंट को सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि आइडेंटिफाई नॉट कन्फर्म, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट ए सिक्योरिटी कोड, दोस्तों इसी को मैं अब क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, इसको ही करते हैं, ठीक है, इससे जल्दी हो जाएगा। मेरे मोबाइल पे जो है एक OTP आएंगे, दोस्तों मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। OTP जो है आ चुका है, अब मैं इसको डाल देता हूँ। और दोस्तों इसके बाद जो है मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना होगा, न्यू पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। दोस्तों पासवर्ड जो है मैं डाल चुका हूँ, यहाँ पर वीक बोल के जो ऑप्शन है उसको आप जाने दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। और दोस्तों कंटिन्यू पे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ ऐप्स हैं, इनको हटाने बोल रहे हैं। मतलब दोस्तों ये तभी होता है जब आप ऑटो लाइक ऑटो फॉलोअर्स का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तभी होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि कुछ हुआ है, मतलब मेरे आईडी को लेकर कुछ हुआ है, वो कि मैंने नहीं किए हैं, वो कहीं और से करी गई है, इसीलिए जो आईडी ब्लॉक हुआ था तो उसको हटाने के लिए बोल रहा है इस ऑप्शन में। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूं, सभी ठीक है। और दोस्तों आप अगर चाहते हैं देख सकते हैं कि आपके बगैर भी कहाँ कहाँ तक कॉमेंट गए हैं। अगर आप किसी कॉमेंट को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जो है नीचे यहाँ पर, सॉरी नीचे या ऊपर कहीं पर भी है, फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ यहाँ पर नीचे है, तब डन बोल के आएगा डिलीट, देखिए इसी तरह से डिलीट बोल के आएगा, तो आप डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि आईडी जो है वो खुल चुका है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई और तरह की दिक्कत हो तो आप जो है मुझे कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा आपके किसी भी तरह के आईडी को खोलने की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि किस तरह से आईडी ब्लॉक हो जाए तो उसको छुड़ा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका फेक आईडी है तो ये फिर कुछ लफड़ा करने वाला है। ये मेरा आईडी बहुत पुराना है, इसमें अगर लॉक भी लगता है ना तो बहुत जल्दी छूट जाता है, ठीक है। फेसबुक इतना स्ट्रांगली नहीं लेता है मेरे आईडी को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।